हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आटे का बिल्कुल नया बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और कुरकुरा होता है। इसकी क्रिस्पीनेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आपने इसकी क्रिस्पीनेस, ये कितना कुरकुरा है। तो क्रिस्पीनेस तो आपने इसकी ऊपर से देख ली, मैं अब अंदर से दिखाती हूँ कि ये कैसा है। देख रहे हैं आप इसकी आवाज अभी भी, ये देखिए, लग रहा है ना एकदम यमी, ऊपर से एकदम कुरकुरा और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट। ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाने में बहुत आसान। और इस नाश्ते में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स हर समय हर घर में होते हैं। बेसन, सूजी और चावल के आटे का नाश्ता तो आपने बहुत खा लिया। अब एक बार मेरे बनाए गए इस टेस्टी और नए नाश्ते को जरूर ट्राई करिए। गारंटी है आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आटे का बोंडा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में आधा कप दही लेंगे। जो हमारे घर पे नॉर्मल चाय वाले कप होते हैं, ये दही मैंने उसी से मेजर किया है। और यहाँ पे मैंने लिए है 3 मीडियम साइज प्याज, जिन्हें मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं है, इसी तरीके से आपको काटना है। 1.5 इंच अदरक, जिसे बारीक चॉप कर लिया हुआ है। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 9 से 10 कड़ी पत्ते, जिन्हें इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया हुआ है। अगर आपके यहाँ कड़ी पत्ता ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, जो हमारे नाश्ते को थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देगा। 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सांबर मसाला। और ये सांबर मसाला इस नाश्ते को बहुत ही अच्छा और यूनिक टेस्ट देने वाला है। अब हम इन सब चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस नाश्ते को घर पे जरूर बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सिंपल है, थोड़ा डिफरेंट है, पर खाने में बहुत टेस्टी है। और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि ये बोंडा आपको कैसा लगा। अब हम इसमें लेंगे 1.5 कप आटा। जिस कप से आपने दही मेजर किया है, उसी कप से आपको आटा मेजर करना है। अब हम इसमें आटा डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। तो अब आप देख सकते हैं आटा जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे लेंगे 1/2 कप पानी, लेकिन पूरा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो पानी ज्यादा हो जाए। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे, और जरूरत पड़ी तो पानी और भी ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई और ये 1/2 कप में ही बैटर तैयार हो गया। मुझे पानी और ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि किस टाइप की। आप देख सकते हो एकदम थिक बैटर है ये, देखिए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब, यानी कि जो नॉर्मल हम खाने के लिए स्पून यूज करते हैं, उतना हम इसमें डालेंगे ऑयल और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। क्योंकि आटा है, गेहूं का आटा थोड़ा ड्राई होता है, तो जो ऑयल है ना वो इसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखेगा। अगर आप इसमें सांबर मसाला नहीं डालना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप अपने नॉर्मल मसाले जैसे कि चाट मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, अमचूर पाउडर, ये सब भी डाल के बोंडा तैयार कर सकते हैं। इसको आप मसालों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से दे सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो बोंडा बनाने के लिए हमने बैटर पूरा तैयार कर लिया हुआ है। अब हमें इसे करना है डीप फ्राई। तो डीप फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और उसे अच्छा गर्म होने देंगे। जब आपके ऑयल से अच्छी सी हीट आने लग जाए, तो गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम के बीच में कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और पक जाए। क्योंकि अगर आप तेज हाई फ्लेम पे करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर से जल्दी गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो बस इस तरीके से हम इस बोंडे को थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और डालने के बाद तुरंत करछी मत लगाइएगा, इसको थोड़ी देर अपने आप ही पकने दीजिएगा। जब ये नीचे से हल्का सा गोल्डन हो जाए, यानी इसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद ही हम करछी लगाएंगे।
और आपकी कढ़ाई में एक बार में जितना आए आप उतने ही डालिएगा। अब आप देख सकते हैं ये हल्का सा इनका कलर चेंज होने लग गया है। जब आप इसे घर पे बनाओगे आपको दिखेगा, तब आप इनको हल्के से ऐसे पलट देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इन्हें एक बार जरूर बनाइएगा, आपको खुद बहुत पसंद आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे टिश्यू पे, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसी तरीके से बचे हुए बैटर के भी हम बोंडा तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे टेस्टी यमी बोंडा तैयार है। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। इस बोंडा को आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिए, धनिया पुदीने की चटनी, दही वाली चटनी, या फिर आप इसे टमाटर और लहसुन की चटनी से भी सर्व कर सकते हैं। मैंने कुछ चटनियों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप उस लिंक के थ्रू मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं चटनी का। तो आज ही फटाफट से इस बोंडा को ट्राई कीजिए, खुद भी खाइए और फैमिली को भी खिलाइए, और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।